What's up, bro? All good, bro. Sub for sub? Yeah, definitely. Sub for sub, bro. Okay. So, देखा गाइज आप लोगों ने तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुछ इसी से रिलेटेड है। What's up guys? मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेके और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके न्यू यूट्यूबर्स प्लस अपकमिंग यूट्यूबर्स के लिए। टॉपिक का नाम है सब फॉर सब। लेट्स टॉक अबाउट इट गाइज। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए, देन आप लोग डिसाइड करिए कि ये सब फॉर सब कितना जरूरी है आपके चैनल की ग्रोथ के लिए प्लस आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो जो पहला पॉइंट आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं वो है इररेलीवेंट। इररेलीवेंट किस टर्म में? लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं आपको कीबोर्ड बेच रहा हूं और आपके पास में कंप्यूटर ही नहीं है, बट इन एक्सचेंज आप मेरे को पुराने जूते दे रहे हैं, पुराने जूते जो कि बहुत ही इररेलीवेंट है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। आपका चैनल है गार्डनिंग के ऊपर और जो सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब कर रहा है सब फॉर सब से, उसका चैनल है गेमिंग के ऊपर, तो क्या वो आपके चैनल में वैल्यू ऐड करेगा? वैल्यू इन टर्म्स, क्या वो आपके चैनल में ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ वॉच टाइम, इन टर्म्स ऑफ लाइक्स, इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग योर वीडियोस? आंसर इज नो। नो क्यों? क्योंकि वो भी ग्रोथ फेज में है, आप भी ग्रोथ फेज में है। आप भी यूट्यूब पे जब वीडियो सर्च करते हैं तो आप भी अपने ही टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं। इन सिमिलर वे अगर वो भी ग्रो कर रहा है तो वो भी सर्च करेगा तो अपने ही टॉपिक, अपने ही चैनल के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज को सर्च करेगा। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जीरो। सो गाइज इस तरह से केवल आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सब्सक्राइबर इंक्रीज होना ही सब कुछ नहीं होता यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको आपके सब्सक्राइबर से कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है आपके वीडियोस इन टर्म्स ऑफ कि आपके वॉच टाइम के अंदर या फिर आपके व्यूज एंड लाइक्स के अंदर, तो ऐसे सब्सक्राइबर को हम लोग डेड सब्सक्राइबर ही कहेंगे। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दिया है कि ये टोटली इररेलीवेंट है सब फॉर सब। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू। जब एक व्यूअर आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो इट मींस कि जो आपका कंटेंट है उसने उसको कन्विंस किया है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उसको या तो आपके चैनल के कंटेंट को देख के मजा आया है या फिर उसको कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सब फॉर सब से जो सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आ रहा है वो आपके चैनल में कुछ भी ग्रोथ को ऐड नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, इन कंपैरिजन जो सब्सक्राइबर ने आपके कंटेंट को देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आपकी वीडियोस को देख रहा है, उनसे कुछ सीख रहा है या फिर उसको उनसे एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो इससे आपके चैनल का वॉच टाइम इंक्रीज हो रहा है प्लस आपके व्यूज जनरेट हो रहे हैं प्लस आपकी वीडियोस को शेयर किया जा रहा है। और जो दूसरा सब्सक्राइबर है जो आपको मिला है सब फॉर सब के थ्रू इज डूइंग नथिंग, वो आपके चैनल में वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो गाइज ये था सेकेंड पॉइंट, वैल्यूज। जो एक सब्सक्राइबर आपका कंटेंट देख के आया है और एक सब्सक्राइबर जो आपने सब फॉर सब से लिया है, तो इन दोनों के बीच में किसने आपको ज़्यादा वैल्यू दी है, तो वो अब आप लोग समझ सकते हैं कि कौन आपके चैनल में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। अब गाइस आता है थर्ड पॉइंट जो है ग्रोथ। हम लोग सब फॉर सब की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर जल्दी से ग्रो होना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमने 4-5 वीडियो अपलोड करी यूट्यूब के ऊपर एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अब हमारे चैनल पर व्यूज आने लग जाएं और हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से इंक्रीज हो जाएं। तो जैसे ही माइंड के अंदर ये थॉट आता है उसी समय हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जो है सब फॉर सब, और हम लोग लग जाते हैं सब फॉर सब करने में। सब फॉर सब करने में होता क्या है कि जितनी तेजी से आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं
जो कि इररिलेवेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी तेज़ी से वो बढ़ते हैं उसकी ही डबल स्पीड से वो कम भी हो जाते हैं, और आपका चैनल दोबारा वहीं पर पहुंच जाता है जहां पे से आपने स्टार्ट किया था। तो इसमें आपने खोया क्या? सब्सक्राइबर नहीं खोया आपने, क्योंकि वो पहले ही इररिलेवेंट है। इसमें आपने खोया आपका टाइम, आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब सब्सक्राइबर डाउन हुए तो आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया। थर्ड चीज़ जो आपने खोई वो था कि अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ गुड कॉन्टेंट। सो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप लोग अपनी वीडियो पे टैग्स पे वर्क कर सकते थे, आप लोग अपनी वीडियोज़ के कीवर्ड्स पे वर्क कर सकते थे, आप टॉपिक पे वर्क कर सकते थे, आप यूट्यूब टूल्स के ऊपर वर्क कर सकते थे टू ग्रो ऑर्गेनिकली। सो गाइज, ये था हमारा तीसरा पॉइंट, ग्रोथ। सब्सक्राइबर आने जाने से कितना फ़र्क पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं इस चीज़ से और अपना ही नुकसान करते हैं इसमें। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेशेंस। अगर आप लोग यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो करने के लिए आपको यूट्यूब पे पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस तरह से गाइज आप लोग कोई बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस चालू करने के बाद में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अपने कस्टमर्स का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब आपके कस्टमर्स आपकी दुकान में आएं और आपका सामान खरीदें। उसी तरह से गाइज आपको यूट्यूब पे भी पेशेंस रखना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। तो आपको यूट्यूब पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यूट्यूब को, क्योंकि गाइज अगर आप लोगों को पता हो तो यूट्यूब दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल के बाद में। जो दूसरे तमाम सर्च इंजन हैं लाइक एमएसएन, लाइक बिंग, उन सब में जितना सर्च मंथ में होता है उससे कई गुना ज़्यादा सर्च यूट्यूब पर डे होता है। तो गाइज अगर आपको ग्रो करना है यूट्यूब के ऊपर तो आपको सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा पेशेंस। सो गाइज लेट्स सम अप, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। जो भी सब्सक्राइबर्स आपको सब फॉर सब से मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इररिलेवेंट। जितना तेज़ी से वो सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं उतनी ही तेज़ी से वो सब्सक्राइबर डिक्रीज भी होते हैं। तो जब वो डिक्रीज होते हैं तो आपने खोया सब्सक्राइबर्स प्लस आपका कॉन्फिडेंस। उस पर्टिकुलर टाइम में जो आपने टाइम सब फॉर सब के लिए स्पेंड किया, उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करें अपने कंटेंट के ऊपर, प्लस आप लोग उसको यूटिलाइज करें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यूट्यूब के ऊपर, जिससे कि आप लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने चैनल से रिलेटेड आप लोग सर्च करें, एंड वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके चैनल की ग्रोथ में। तो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सब फॉर सब आपके चैनल के लिए सही है कि गलत है, आपकी ग्रोथ के लिए सही है या गलत है। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ में आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं रिलेटेड टू ट्यूटोरियल, रिलेटेड टू किसी भी टॉपिक पे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद एंड टेक केयर।